नमस्कार। सो उत्तर प्रदेश काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट है और हम जानते हैं कि टोटल मिला के एग्जैक्ट 31 कॉलेजेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में आते हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ और जिसमें एक कॉलेज है जो इसी साल आया है जिसको हम SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा कहते हैं। ठीक है, सॉरी। अब आप सब लोग, हमें हमेशा कहता हूँ कि हर कॉलेज की क्वालिटी सेम नहीं होती और हम अपने क्लाइंट्स को UP चॉइस प्रायोरिटी लिस्ट देते हैं। इन 31 कॉलेजों को कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि 31 में से 5 माइनॉरिटी कॉलेज थे जो सब जानते हैं, काइंड ऑफ जिसके ना नाम में लिखा होता है तो वो ढूंढना बड़ा आसान होता है, राइट। लेकिन आज भी जो ब्रोशर है आप उसको देखोगे जिसमें तीर्थंकर महावीर एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज होता है और बाकी चारों मुस्लिम माइनॉरिटी। लेकिन इस साल भी नोटिफाई हो चुका है दैट सुभारती भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस नाउ इज़ ए बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज। और देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज जब बनते हैं उत्तर प्रदेश में फ़ीस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना तो तीर्थंकर महावीर को इतनी सीटें जैन की मिलती हैं और वो राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सुभारती अभी भी बार बार क्लियरली बोल रहा है कि वो ऑफिशियली माइनॉरिटी बन चुका है। उनकी वेबसाइट पर आपको एक लेटर मिल जाएगा 2 पेज का, अगर आप वेबसाइट उनकी देखोगे, कि DGME UP ने अभी 1 जुलाई को लेटर दिया है जिसमें 100 सीटें सुभारती की मुस्लिम बुद्धिस्ट माइनॉरिटी की हो गई हैं। लेकिन अब इसका मेन मतलब ये है कि उन्होंने फ़ीस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है केस, क्योंकि अब ऑफिशियली देखो DGME अलग चलता है, सुप्रीम कोर्ट अलग चलता है। सो चूँकि अब DGME ने उनको माइनॉरिटी बना दी है, दे हैव ऑल द राइट टू चार्ज माइनॉरिटी फीस। और उन्होंने अपने लेटर में क्लियरली लिखा भी हुआ है, जो उनका 2 पेज का लेटर है, आप गूगल भी करेंगे आसानी से मिल जाएगा, कि भाई जैसे ये हो जाएगा हम तीर्थंकर महावीर और ईरा की तरह फीस करेंगे, दैट मीन्स ओवर 1 करोड़, क्योंकि माइनॉरिटी में भी इन दोनों कॉलेज की फीस 1 करोड़ का पैकेज से ऊपर है। अब जो मुद्दे की बात है, तो पहली बात तो ये है, और उन्होंने ये चीज़ लास्ट ईयर भी बोली थी, क्योंकि लास्ट ईयर काउंसलिंग के बीच में सीट आ गई थी। सो जिन्होंने 2022 में भी सुभारती ज्वाइन किया है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा सबको 1 करोड़ के पैकेज के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी। नाउ दो बातें हैं, एक तो जी मैं ये नहीं कह रहा सुभारती अच्छा कॉलेज है, 1996 से चलता हुआ मतलब कि 25 साल पुराना कॉलेज है, तो कॉलेज की विंटेज है, कॉलेज का एक्सपीरियंस है, और उस सेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक हम श्रीराम मूर्ति शारदा के बाद सुभारती को नंबर 3 पर डालते थे उत्तर प्रदेश की प्रायोरिटी लिस्ट में, और मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता था तो भी डेफिनेटली सुभारती टॉप 20 में आता था और शायद टॉप 10 में आ जाता था। अगर मैं खासकर मैं ओपन स्टेट्स की बात करूँ या ओपन स्टेट्स के अलावा भी जोड़ लें, आपने अरबिंदो इंदौर लिया, आपने RD उज्जैन लिया, आपने MGM जयपुर लिया राजस्थान, आपने मौलाना लिया, आपने जौलीग्रांट लिया, श्री गुरु राम राय लिया, अब अमृता फरीदाबाद आ गया है, आप सबको भी जोड़ लेंगे तो फिर SRM बरेली शारदा करके सुभारती पहले 15 कॉलेजों में आता था, और तभी उसी कट ऑफ भी हम जानते हैं कि हमेशा 500 नंबर के ऊपर रहती थी। पर मैं हमेशा लोगों को नहीं समझाता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा, लेकिन प्लीज़ कि सर श्रीराम मूर्ति की कट ऑफ 550, शारदा की 520, जबकि मौलाना की तो 400 है, क्या वो कॉलेज उनसे अच्छे हैं? तो मुझे कई बार लोगों को समझाना पड़ता है, नहीं बैठे, क्योंकि जो मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना उसको बजट इशू नहीं होता। तो मैं कहा जिस तरह से आप या आपका परिवार सोचता है ना, पूरा हिंदुस्तान ऐसे नहीं सोचता है। तो कभी कभार कस्तूरबा की कट ऑफ मैक्सिमम है, उसकी फ़ीस भी कम है, वो एक बाई चांस वाली बात है, बाई चांस वाली बात है कि कस्तूरबा की फ़ीस कम है इसलिए वो सबसे ऊपर कट ऑफ का नहीं है, वो इसलिए है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन जब सिम्बॉयसिस की कट ऑफ ऊपर जाती है तो उसका कारण सिर्फ उसकी लो फीस है। सिमिलरली जब सुभारती या रोहिलाखंड जैसे कॉलेजों की कट ऑफ इतनी ऊपर है तो उसका मतलब है कि उनकी फ़ीस कम थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज ख़राब है, पर वो उतने शानदार कॉलेज नहीं है कि 500 नंबर के बच्चे उसमें जाते। 500 नंबर के बच्चों को डेफिनेटली अमृता, JLN बेलागावी, JSS मैसूर में जाना चाहिए, बेटर देन एटलीस्ट दीज कॉलेजेस। मैं सुभारत में रोहिलाखंड या हेरिटेज या उनकी बात कर रहा हूँ, बट फीस भी फैक्टर होता है। और यही बात अब आती है 2 जनों के लिए। एक देखिए, जिसके 450 नंबर हैं, 500 नंबर हैं, क्या आप 1 करोड़ रुपया सुभारती में दीजिए, या आप 1.5 करोड़ रुपया जौलीग्रांट में दीजिए, या श्री गुरु राम राय में दें हम, या अमृता में दें? सो डेफिनेटली आई थिंक ऑल दोज कॉलेजेस शुड कम ओवर सुभारती। सो आप जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो सोच समझ के सुभारती को कट ऑफ या चॉइस लिस्ट में डालिएगा, कि ये मान लीजिए आप कि उसकी फ़ीस का पैकेज आपको 1+ पढ़ने वाला है, लाइक अदर माइनॉरिटी कॉलेज ऑफ UP।
ऑन द अदर हैंड मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनके 200 नंबर हैं और वो अच्छा कॉलेज चाहते थे, तो चूँकि अभी तक मेरा वीडियो भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं या उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितने शायद कुछ और चैनल हैं, तो 200 नंबर वालों के लिए ये सलाह है कि आप डेफिनेटली सुबह से ट्राई मारिए और आपको क्वालिटी मिल जाएगी तो आप उसको टॉप में रखिए। तो ये भी हो सकता है कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए, क्योंकि आप वैसे भी 1 CR प्लस खर्च करने को तैयार हो बट आपके मार्क्स कम हैं, आपका जॉली ग्रांड है, श्री गुरु राम राय या अमृता या मौलाना में चांस बहुत कम है, MGM जयपुर वैसी क्लोज स्टेट है और बिंदु इंदौर क्लोज स्टेट है, तो आप ट्राई मार लीजिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन वही जो 500 मार्क्स 450 80 मार्क्स वाले हैं जिनको नॉर्थ के अच्छे कॉलेजेस या अच्छे कर्नाटका के डीम्ड या महाराष्ट्र के डीम्ड मिल सकते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ के विचार कीजिए। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि सुभारती नंबर 3 UP में है, लेकिन वो उसकी वजह यही है कि अंधों में काना राजा, वो फिर भी काने से बेटर ही है। सिमिलरली आदेश को जब हम नंबर 1 हरियाणा में कहते हैं आज तक अंधों में काना राजा, आई एम श्योर बहुत जल्दी MMU साधुपुर एटलीस्ट हरियाणा स्टेट का तो नंबर 1 बन जाएगा 4-5 साल में। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि सुभारती 450 मार्क्स प्लस वालों को सोच समझ के भरना चाहिए। आई थिंक यू हैव बेटर ऑप्शंस जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो। सिमिलरली जो 200 नंबर वाले हैं 250 नंबर वाले हैं जो कुछ भी कॉलेज ले लेते थे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके पास मौका है। इतने देखिए बुद्ध मेनल्टी के बच्चे अप्लाई करने ही नहीं वाले हैं सुभारती में, और शायद तभी उन्होंने बहुत सोच समझ के बुद्धिस्ट मेनल्टी बने हैं, क्योंकि जैन मेनल्टी बनते तो इतने जैन आ ही जाते और वो कन्वर्ट करेंगे इसको। जो भी रूल होता है कन्वर्जन का हर जगह कि जब भी मेनल्टी सीट्स होती हैं जनरली वो मॉप अप राउंड में कन्वर्ट होती हैं, पहले स्ट्रीम होती थी राइट, अब वो ड्यूरिंग मॉप अप राउंड कन्वर्ट होंगी जो कि ऑफलाइन होता है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह तब तक ना बहुत कम बच्चे बसते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए और उसके हिसाब से हम एक्शन, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।